दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें वरिष्ठ भाजपा नेता यशवीर डागर के कॉलेज में, पलवल में इनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और यहां पर सबसे बड़ा रोज़गार मेला लगने वाला है जिसमें करीब 1500 युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। करीब 53 बड़ी कंपनियाँ आएँगी, आप लोग देख रहे हैं, JBM, ICICI बैंक, इंडियन ऑयल और तमाम ऐसी कंपनियां यहां पर आने वाली हैं। 53 कंपनियां आएंगी और करीब 1500 युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यहां पर एक बड़ी प्रेस वार्ता भी हो रही है जिसमें फरीदाबाद और पलवल के पत्रकार आए हुए हैं और सभी पत्रकारों को इस रोज़गार मेले की जानकारी दी जा रही है। तो आइए हम भी रोज़गार मेले की जानकारी हासिल करते हैं। आइए तो आइए बातचीत करते हैं। यशवीर डागर जी भी हैं, अरुण डालमिया जी भी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और यशवीर डागर रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है, और इन्हें से बातचीत करते हैं रोज़गार मेले के बारे में। सर नमस्कार। यशवीर जी नमस्कार। जी सर, कह रहे हैं सबसे बड़ा रोज़गार मेला आप लगाने वाले हैं, कब होगा रोज़गार मेला और क्या फ़ायदा मिलेगा युवाओं? आने वाले 30 अप्रैल रविवार के दिन हमारे संस्थान के अंदर एक मेगा जॉब फेयर लगने जा रहा है जिसमें लगभग अभी तक 53 कंपनियों ने हामी भरी है, और हमारे संस्थान के अंदर इस जॉब फेयर को हमारी एक संस्था वास्मेय के साथ मिलकर के हम लोग लगा रहे हैं। ये हमारा 16 साल में पहला प्रयास है। इसमें अब तक 1150 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि 1500 बच्चे इस मेले में भाग लेंगे, और हमारी कोशिश होगी कम से कम 500-600 कम से कम बच्चे इसमें जॉब लगे। क्या आपके कॉलेज के बच्चे आएंगे या बाहर के कॉलेज के बच्चे आएंगे? हमारे बच्चों के लिए तो है ही, और बाहर के बच्चों को भी हमने सबको बुलाया, हमने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है, सबके लिए ओपन है, सारे इस इलाके के बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। पलवल में है क्या, फरीदाबाद के बच्चों को बुलाया गया है? फरीदाबाद के बच्चे भी आए, सारे लोकल देहात के बच्चों के लिए भी एक प्लेटफार्म हम लोग बनाया है हम लोगों ने। रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म भरा जा रहा है, गूगल के ऊपर लोग बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और 1000 से लगभग बच्चे कल तक कर चुके थे, अभी 4-5 दिन का समय बाकी है, हमें उम्मीद है 1500 बच्चे आएंगे इसमें। जॉब मेले का समय क्या होगा? समय सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री, रजिस्ट्रेशन होगा 30 तारीख को, यहाँ भी समय पर रजिस्ट्रेशन बच्चे करा सकते हैं सुबह। बहुत सारे बच्चे आएंगे, कहीं भगदड़ ना मच जाए, कहीं ज्यादा क्राउड ना हो जाए, इसके लिए व्यवस्था हम लोगों ने करी है। हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा है, ऐसी कोई बात है नहीं है। हम लोग, हमारा स्टाफ, फैकल्टी के लोग लगभग 150 स्टाफ है, फैकल्टी हमारे पास में, तो संभालेंगे सब चीजों को, इसमें क्या है। सर इतना बड़ा रोजगार मेला अभी तक फरीदाबाद में नहीं लगा कि 1500 युवाओं को उसमें बुलाया जाए, इतने लोगों को नौकरी दी जाए और 53 कंपनियों को बुलाया गया, तो ये आइडिया कहाँ से आया सर? ये आइडिया तो हमारे संस्था साथी, हमारे रमेश जी लाल साहब, हमारी संस्था वास्मे के साथ हम लोग जोड़ करके हमने हिम्मत करी है, और हमारा ये संस्था 16 साल में पहली बार हम लोगों ने हिम्मत करी है, और इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये बहुत जमीन के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये इसका फायदा नया आइडिया, स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने इस विजन को पूरे देश के सामने रखा, और हमारे देश के जनमानस ने, हमारे देश के यूथ ने स्टार्टअप इंडिया, उनके इस सपने को साकार करने का काम किया है। हमारी बहुत सारी संस्थाएं इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही हैं, काम हेल्प कर रही हैं, नए नए युवाओं को उसके, उनको लोन दिलवाना, उनको आर्थिक मदद, उनको टेक्निकल मदद, इस तरह की चीज़ों को हमारी अब बहुत सारी संस्थाएं अब इसमें आगे आई हैं। और स्टार्टअप इंडिया में आप लोगों ने देखा कितने स्टार्टअप आए, पूरी दुनिया उनको सराहने का काम करने में लगी है। ठीक है सर, वास्मे से थोड़ा बातचीत करते हैं। सर अपना परिचय भी दीजिए और वास्मे के बारे में थोड़ा सा बताइए, और रोज़गार मेले से युवाओं का क्या फ़ायदा होगा ये भी बताइए सर। हरे हरे कृष्णा, मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं वास्मे में सीनियर एडवाइज़र हूँ, और वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये एक संस्था है जो 112 देशों में काम कर रही है, और इसी क्रम में, इसी प्रोत्साहन देने के क्रम में ये जॉब फेयर यहाँ हो रहा है। जितनी कंपनियाँ हम लोगों के साथ हैं और हमसे जुड़ी हैं, उन कंपनियों को सही माने में जो उनको चाहिए उस तरह की यहाँ के बच्चों को ट्रेन करके और वो जॉब देने की कोशिश है, और किस किस एरिया में, काफ़ी एरिया में है जो हम लोग जॉब देना चाह रहे हैं, और इन लड़कों को, बच्चे जो नए पढ़ के आते हैं और नई नई टेक्निक थोड़ी सी कमी हो जाती है, जो आज की आविष्कार जो तो होता है, और जो 4 साल की पढ़ाई में जो गैप होता है उसको पूरा करने की कोशिश है, जिससे जॉब सबको मिले।
किस तरह के जॉब दी जाएंगे ये भी बता दीजिए, अभी एरिया की बात आप। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जी, हमारे लाल साहब बताएंगे सर। भारत सरकार ने सभी इंडस्ट्री को किसी न किसी सेक्टर स्किल काउंसिल से जोड़ा हुआ है। हर इंडस्ट्री के लिए कोई न कोई एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो चाहिए, जिस ट्रेन का बच्चा चाहिए, उसका उन्होंने कोर्स करिकुलम बनाया है, जो कि एकेडमिक्स उनको नहीं दे पा रहा है। तो भारत सरकार ने जो सिलेबस कोर्स करिकुलम बनाया है उसको हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, जिससे इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है। हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनके अपना कोर्स टेक्नोलॉजी तरीका चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, वो हम उनको सिखाते हैं पढ़ाते हैं। 2-3-4-6 महीने कोर्स होते हैं जिससे इंडस्ट्री एक्सेप्ट, जिनको कि वो बच्चे नहीं मिल रहे उस टाइप के। सर अगला जॉब फेयर कब लगेगा? ये जॉब फेयर रतन इंस्टीट्यूट में शुरुआत है, ये आज जो लगने वाला है 2 दिन के बाद 30 तारीख को, 30 अप्रैल को ये पहला होगा और ये क्रम चलता रहेगा इस क्षेत्र के लिए। अगला जॉब फेयर हम लोग 10 दिसंबर 2023 को प्लान कर रहे हैं, यहीं पर जी, इससे भी बड़ा होगा, उसमें कम से कम 100 कंपनियां रहेंगी, ऐसा हम लोगों का प्लानिंग है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, इस क्षेत्र के बच्चों का सहयोग हम लोगों को मिले और आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहें, यही आशा है। हरे कृष्ण। जॉब फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए यहाँ पे, इंटरव्यू फेस करें, ठीक है, और उनको मौका मिलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।